कांग्रेस ने राम मंदिर के होर्डिंग को लेकर भाजपा की शिकायत चुनाव आयोग से की है। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस को भगवान राम और राम मंदिर की विरोधी पार्टी कहा है। उन्होंने कहा कि सनातन के खिलाफ कांग्रेस का चेहरा सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए राम मंदिर के होर्डिंग पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ और सनातन के खिलाफ है। वो इसे चुनाव में उजागर हो गया है। दुनिया की आस्था का केंद्र श्री राम के मंदिर के होर्डिंग लगाए गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की है कि इनको हटाया जाए। शर्मा ने कहा, राम मंदिर के होर्डिंग लगाने से कांग्रेस को तकलीफ क्या है, जबकि भगवान राम प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता की आस्था का केंद्र है। कांग्रेस का जो मूल चरित्र है भगवान श्री राम के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, इनका मूल चरित्र इस मध्य प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का उजागर हुआ है। प्रभु श्री राम मंदिर के जो इस भारत ने दुनिया के आस्था का केंद्र है, उसके होल्डिंग लगे हैं, तो इस पर कांग्रेस चुनाव आयोग में जाकर के आपत्ति व्यक्त कर रही है कि राम मंदिर के होल्डिंग लगे, इन होल्डिंग को हटाया जाए। ये कांग्रेस का मूल चरित्र है। कांग्रेस ने किस प्रकार से राम मंदिर पर आक्रमण करने का प्रयास किया है, इनके मन के अंदर पीड़ा क्यों है कांग्रेस के कि राम मंदिर के होर्डिंग क्यों लगे हैं, ये मध्य प्रदेश की 9.5 करोड़ जनता, जिनके श्रद्धा और आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का मंदिर है, अरे आप भी लगाइए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।